फ्रेंड्स, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे सॉवरेंटी क्या होता है। सॉवरेंटी दरअसल सुप्रीम पावर को कहते हैं, इन विच देर इज नो एक्सटर्नल एंड नो इंटरनल लिमिटेशंस। यू कैन कॉल इट एज एन इंडिपेंडेंट पावर। हिंदी में इसे हम संप्रभुता कहते हैं। जी हाँ, संप्रभुता। वैसे पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। आप इसे राज भी कह सकते हैं, हुकूमत कह सकते हैं, यानी इक्तदार वगैरह वगैरह। यह होता क्या है, आइए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। जैसे हमारा देश 1947 को आज़ाद हो गया और उसके बाद हमने अपना संविधान भी बना लिया, यानी रूल्स रेगुलेशंस हमारे ही चलेंगे। अब किसी और की हाकिमियत यहाँ नहीं चलेगी, किसी और का राज नहीं चलेगा। तो इस तरह का जो पावर मिला है उसे ही हम सॉवरेंटी कहते हैं। आइए कुछ सेंटेंस कर लेते हैं। इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अच्छा, आपने सॉवरेंटी ऑफ गॉड सुना है? वी थिंक वी आर फ्री, वी हैव गॉट फ्रीडम इन 1947, बट इन रियालिटी वी हैव फ्रीडम विथ सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। द अल्टीमेट सॉवरेंटी लाइज विद द गॉड, द गॉड, द सुप्रीम पावर, अल्लाह, भगवान, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। आवर लिमिटेशंस आर डिफाइंड बाय द सॉवरेंटी ऑफ गॉड। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अच्छा लगा तो लाइक कर दो, सब कर दो।